राम राम सर, मैं हूँ शारदा परियार और शारदा मारवाड़ी रसी में आप सब और एक बार बड़े स्वागत है। आज अपन वीडियो में बनाओ गोभी कोफ्तोरी सब्जी जिमने में अना बढ़िया लगे। मारा बताड़ी तरीका हूँ, एक बार सब्जी आप जरूर बनान जिम जो आपने अना बढ़िया लगे ला। तो पधारो मार रसी में आप गोभी कोफ्तोरी सब्जी बनावनी शुरू करो। गोभी कोफ्तोरी सब्जी बनाने वास्ते गोभी ने काट और साफ धोन तैयार कर ली। हम अब गोभी ने कद्दूकस करन तैयार कर रहा हूँ। इन तरीकों में पूरी गोभी ने कद्दूकस करन तैयार कर ले। वो पूरी गोभी ने कद्दूकस करन तैयार कर ली। हम अपनी गोभी में पानी निचोड़ नल कह रहा हूँ। इन तरीका में पूरी गोभी में पानी निचोड़ अलग कर ले। गोभी में अलग होयड़ को पानी सब्जी में काम में ले ले। पूरी गोभी में पानी निचोड़ अलग कर लियो। अट मैली दो हरी मिर्च अदरक लहसुन ने जिन्हें मैं पीस तैयार कर लिया गोभी में मिक्स कर ले। थोड़ा अट मैली आका धोना निजमो, आका धोना निजमो ने हाथों मसाला मिक्स कर ले। गोभी में मिक्स करो थोड़ी हल्दी, हवादरे हिसाब नमक, एक चिमचो पीसड़ी लाल मिर्च, थोड़ो जीरो, काटड़ा हरा धाना और एक कटोरी बेसन। बेसन थोड़ो थोड़ो कर मिक्स करो। सब मसालों ने बढ़िया मिक्स कर ले। लारे बचोड़ को बेसन ने गोभी में मिक्स कर ले। अट मैं एक कटोरी बेसन मिक्स करियो। कोफ्ता वास्ते मसाला बनान तैयार है। हम अपने मसाला रा कोफ्ता बनान तैयार कर ले। नींबू साइज रा कोफ्ता बनान तैयार कर रहा हूँ। आप देख रहे हो सा कितना बढ़िया कोफ्ता बनान तैयार हो गया है। इन तरीकों पूरे मसाला रा कोफ्ता बनान तैयार कर ले। पूरा मसाला रा कोफ्ता बना लिया। हम अपने कोफ्ता ने तेल में तलन तैयार कर रहा हूँ। कोफ्ता तलने वास्ते तेल पहले गर्म होने वास्ते रख दियो। तेल बढ़िया गर्म है, गैस री आंच धीमी कर दे। हम कोफ्ता ने बढ़िया तलन तैयार कर रहा हूँ। कड़ी में आराम आ जावे इतना कोफ्ता ने तलन तैयार कर ले। एक आधे मिनट बचे कोफ्ता ने जा रहा हूँ पलट दे। तीन चार एक मिनट पके बचे कोफ्ता पकन तैयार है। कोफ्ता ने तेल में बाहर निकाल दे। लारे बचे उड़ कोई कोफ्ता ने तेल में तलन तैयार कर ले। आप देख रहे हो सा कितना बढ़िया कोफ्ता बनन तैयार हो गया है। पूरा कोफ्ता तलन तैयार कर लिया। हम अब सब्जी वास्ते मसाला पीसन तैयार कर ले। अट मैं लिया चार गोटे कौंदा, थोड़ी अदरक और थोड़ा लहसुन। अदरक लहसुन कौंदन पीसन तैयार कर ले।
कौंदा लसन पीसन तैयार कर लिया। अटे मैं लिया 4 लाल टमाटर, 1 हरी मिर्च, 1 थोड़ा हरा धाना। इन सब मसालन पीसन तैयार कर लेमु। टमाटर थोड़ा पीसन तैयार कर लिया। हम अब सब्जी बनाने रुके रहो, गैस मत कड़े रख, इनमें तेल गर्म होने वास्ते रख दे। कड़ी में डाल दे सागल चिमचों 2-2.5 चिमचे तेल। तेल बढ़िया गर्म हुए पचे तेल में मिक्स करो आका गरम मसाला, थोड़ा जीरो, थोड़ा कूटड़ो लसन। लसन हल्को फिक्यो पचे इनमें मिक्स कर दे पीसीड़ का गांठिया कौंदा। कौंदा ने बढ़िया पकान तैयार कर रहा हूँ। तीन चार एक मिनट पके बच्चे कौंदा बढ़िया पकन तैयार हो गए हैं। हम अपन कौंदा मिक्स कर दे पीस जोड़ का धोना टमाटर। टमाटर ने बढ़िया पकान तैयार कर रहा हूँ। टमाटर बढ़िया पकन तेल छोड़ दी जब तक टमाटर पकान तैयार कर रहा हूँ। टमाटर पकन तैयार हो गया जब तक दही में मसाला गोलन तैयार कर लेमो। अटे मैं दही दही में मिक्स कर दे नमक मिर्ची हल्दी। मसाला आप अपनी पसंद रहे सबू हल्ला थोड़ा कर सको। मसालों ने दही रमाइन बढ़िया मिक्स कर ले। टमाटर बढ़िया पकन तेल छोड़ दियो। हम अपन टमाटर मिक्स कर दे दही में गोले का मसाला। मसालों ने बढ़िया मिक्स कर ले। मसालों ने बढ़िया पकान तैयार करो जब तक मसाला मैं तेल अलग हो जाए जब तक मसाला पकाओ। पांच हाथ एक मिनट पकाए पचे मसाला बढ़िया पकन तैयार है। मसाला बढ़िया तेल छोड़ दियो। हम अपन मसाला मैं मिक्स कर रहा हूँ गर्म पानी। सब्जी मैंने गर्म पानी मिक्स करना है, ठंडा पानी नहीं मिक्स करना। सब्जी में पानी आप अपनी जरूरत रह साबु हलो थोड़ा मिक्स कर सको। सब्जी में उबाल आएगी, हम अपन सब्जी मिक्स कर रहा हूँ कोफ्ता। सब्जी में उबाल आयो पचीस कोफ्ता मिक्स करना है, पहला कोफ्ता नहीं मिक्स करना। कोफ्ता ने सब्जी में बढ़िया मिक्स कर ले। कोफ्ता मिक्स करियो पचे सब्जी ने 2-1 मिनट तक बड़ा पका ले। इन तरीकों में बनाई गोभी रो कोफ्ते की सब्जी जिमने में अना बढ़िया लगे तो मारा बताए तरीका हूँ। एक बार गोभी रो कोफ्ते सब्जी आप जरूर बना जिम जो आपने अना बढ़िया लगे ला। गोभी रो कोफ्ते की सब्जी बनन तैयार है। सब्जी में मिक्स कर दे काटड़ा हरा धाना। तो लो सा गोभी कोफ्ते की सब्जी बनन तैयार है। अना भी बढ़िया सब्जी बनन तैयार हुई है। मारा बताए तरीका हूँ, एक और सब्जी आप जरूर बना जीम जो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कर जो सा। ऐडा बड़ा वीडियो देखने वास्ते मारा चैनल ने सब्सक्राइब कर घंटे का बटन दबा दीजिए सा। तो आपने हर रोज एडिस मारवाड़ी भाषा में खाने का वीडियो मिलता रहेगा। तो एक बार बड़े मिलो एक नवा वीडियो हाथे जटते ही। राम राम सा।